मॉडर्नाइजेशन, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया। जैसे अभी यहाँ पे सारे स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेटरोजेनस। क्यों? अभी मैंने वर्ड क्या यूज किया, हेटरोजेनस। क्यों? मेल ही है और फीमेल भी है, सब्जेक्ट भी अलग है, किसी का कॉमर्स है, किसी का मैनेजमेंट है, क्लियर है। बट ये पॉपुलेशन होमोजेनस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? सारी किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट किया है, उसके अकॉर्डिंग ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजेनस पॉपुलेशन। तो मेरा टॉपिक क्या था बेटा, डीमोनेटाइजेशन। उसमें मेल भी सफर्ड है, फीमेल भी सफर्ड है, उसमें अलग अलग एज ग्रुप भी सफर्ड है, अडल्ट भी है, ओल्ड एज भी है, टीनेज भी, सब सफर्ड है। तो उस रिस्पेक्टिव में सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोजेनस पॉपुलेशन। समझ में आया? इज इट क्लियर? बट अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, मतलब क्या है, इजीली काम ना कर सकूं, उस सिचुएशन में भी मुझे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से बचना चाहिए। रीजन, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आया? बेशक हेटरोजेनस है, बेशक हेटरोजेनस है, तभी मैंने क्या बोला, जहां पॉपुलेशन क्या है, इनफाइनाइट, होमोजेनस है, हेटरोजेनस है, डजंट मैटर, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। तभी मैंने बोला वर्ड्स को ध्यान से समझो, मैंने ये बोला पॉपुलेशन क्या है, इनफाइनाइट। समझ में आया? चाहे होमोजेनस है चाहे हेटरोजेनस है, वहां पे बेटर कौन सी है, क्लस्टर सैंपलिंग। इज इट क्लियर? सो राइट डाउन, इफ पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, then cluster sampling is best sampling technique. If population is infinite,